डॉक्टर्स ने फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान किया है। 24 घंटे तक ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। साथ ही साथ आपको बता दें, क्योंकि इससे पहले 13 अगस्त को जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल को वापस लेने का ऐलान किया था, यानी कि जो विरोध दर्ज कराया जा रहा था पूरे देश भर में डॉक्टर्स का जो गुस्सा था उसको लेकर के ये देखा गया था कि जब जैसे ही ये पूरी जांच पड़ताल सीबीआई के हाथ में आती है डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। लेकिन अब एक बार फिर से अब आईएमए ने ओपीडी बंद करने का ऐलान किया है, क्योंकि पहले जहां फोडा की तरफ से ये प्रदर्शन जारी था, यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से ये प्रदर्शन जारी था, लेकिन अब आईएमए भी इसी प्रदर्शन का हिस्सा बनने जा रहा है। ओपीडी बंद करने का ऐलान किया है। देश भर के जितने भी अस्पताल हैं वहां 24 घंटे के लिए ओपीडी फिलहाल बंद रहने का ऐलान किया गया है। वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। डॉक्टर की हत्या के विरोध में बीजेपी भी प्रदर्शन करने वाली है। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में बीजेपी आज विरोध दर्ज कराएगी। आरजी के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हत्या के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के हर जिले में विरोध दर्ज कराती हुई नजर आने वाली है। आपको बता दें कि लगातार इस घटना के बाद आक्रोश पनपता नजर आ रहा है, विरोध तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल में फैली अराजकता दरिंदगी बर्बरता को लेकर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी मुखर होती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अब पश्चिम बंगाल में इस पूरी घटना के विरोध में प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी आज विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आने वाली है। तो ये 5 तस्वीरें देखिए, ये प्रदर्शन से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें। लेकिन सीबीआई भी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां प्रिंसिपल से अब पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। बवाल के पीछे आखिर क्या छिपा है, किसकी साजिश छिपी है, ये भी पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं 5 डॉक्टरों से अब तक पूछताछ भी की है सीबीआई की टीम ने। 24 घंटे तक ओपीडी बंद रखने का ऐलान डॉक्टर्स ने किया है। तो वहीं आज बीजेपी का प्रदर्शन भी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलने वाला है। तो ये 5 तस्वीरें आज की कहानी बयां कर रही है, जहां बवाल के पीछे राम वाम है क्या यहां पर, और दूसरी तरफ 24 घंटे के लिए ओपीडी बंद रखने का डॉक्टर्स ने ऐलान किया, यानी कि आज जो मरीज हैं, जो तीमारदार हैं, उनको भी आज परेशानी हो सकती है। तो एक तरफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रखे हैं, तो दूसरी तरफ कोलकाता कांड को लेकर सीबीआई एक्शन में नजर आ रही है। सीबीआई की टीम गुरुवार देर रात मेडिकल कॉलेज पहुंची और प्रिंसिपल से पूछताछ करने के बाद उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद छोड़ भी दिया गया। इससे पहले भी सीबीआई की टीम कॉलेज पहुंची थी और उस स्थान पर पहुंची जहां इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पनपा आक्रोश थमने का नाम भी नहीं ले रहा, जिस पर एक तरफ जहां बंगाल में बवाल तो दूसरी तरफ राजनीति में उबाल नजर आ रहा है। मगर इससे इतर जांच पड़ताल में भी तेजी देखने को मिल रही है। यही वजह क्या है कि जांच की कमान मिलते ही सीबीआई ने भी ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम गुरुवार रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची और पूछताछ के बाद प्रिंसिपल को अपने साथ ले गए, जिसे कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। इससे पहले टीम ने अभया के परिजनों का बयान दर्ज किया था, जिसमें हुए खुलासे के बाद टीम आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची और सीबीआई टीम ने 2 डिपार्टमेंट हेड, 2 रेजिडेंट डॉक्टर के अलावा 2 पीजीटी स्टूडेंट से भी पूछताछ की थी। सीबीआई ने अभया के परिजनों से पूछताछ की है और उस पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। परिवार ने पुलिस की संवेदनहीनता बताते हुए बताया है कि कैसे परिवार को 3 घंटे इंतजार करवाया जाता है और उनको कहा जाता है उनकी बेटी ने आत्महत्या कर दी। यहाँ पर 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स, 2 डिपार्टमेंट हेड और 2 पीजीटी स्टूडेंट से भी पूछताछ की है। माना जा रहा है बड़े खुलासे। एक तरफ जहां सीबीआई टीम पूरे केस की छानबीन में जुटी है, तो दूसरी तरफ बुधवार को अस्पताल में हुए उपद्रव पर भी एक्शन तेज हो गया। बंगाल पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में जहां 12 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वहीं 50 से ज्यादा संदिग्धों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जो उस दौरान हुई अराजकता में शामिल थे,
जिन्होंने अस्पताल को तहस नहस कर दिया था। बंगाल की बिटिया के साथ हुई बर्बरता ने सारी हदें पार कर दी, जिस पर कुरह के सियासी बवाल से यही सवाल जन्म लेता है कि आखिर राक्षसी कृत्य करने वालों की रक्षा करने वाले पापियों पर प्रहार कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोलकाता में हुए रेप और मर्डर के मामले में जहां सीबीआई की टीम अब एक्शन मोड में है, साथ ही साथ प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है, डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, सीबीआई की टीम घटनास्थल पर भी पहुंच रही है, लेकिन सवाल अब उन प्रदर्शनकारियों पर भी है जो यहां पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो अचानक से आरजी के अस्पताल में घुसते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं ममता बनर्जी जिम्मेदार ठहरा रही है राम और वाम को, और दूसरी तरफ बीजेपी ने आज पूरे बंगाल में चक्का जाम का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম। इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही है। असली दोषी कहां भी भाग जाए, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा कंस्पिरेसी चल रहा है। कोलकाता में सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार और फिर हत्या मामले में सबको झकझोर दिया, लेकिन इस पूरे मामले में हद तब हो गई जब हैवानियत को छिपाने की कोशिश की गई, हत्या को आत्महत्या बताया गया। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, तो सीबीआई ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। सीबीआई की टीम कल जो हिंसा हुई इसको लेकर जो उपद्रव यहाँ पर थे, एफएसएल की टीम भी अभी अंदर ही मौजूद है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश, और सीबीआई की टीम से हमने लगातार सवाल पूछे, हमने उनसे पूछा कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकला, फैमिली के स्टेटमेंट आप लोगों ने दर्ज किए, कुछ नहीं बोला, लेकिन ये इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पर कल हिंसा हुई थी, वहीं पर ही सीबीआई की जो टीम है वो अंदर पहुंची है। और आपको ये भी बता दें कि इसी की तीसरी मंजिल पर वो हॉल है जहाँ पर जो विक्टिम है उनके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उनकी हत्या भी की गई। इस पूरे मामले में सीबीआई ने अभिया के परिजनों का बयान दर्ज किया। इज गोइंग ऑन, वी हैव टेकन द स्टेटमेंट्स ऑफ द पेरेंट्स, दैट्स इट। अभिया के माता पिता से कहा गया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जिन्हें 3 घंटे तक उनकी बेटी का शव नहीं देखने दिया गया। परिजनों ने पुलिस की संवेदनहीनता का सारा सच बयां किया, तो सीबीआई आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां पूछताछ हुई 2 डिपार्टमेंट हेड और 2 रेजिडेंट डॉक्टर से। इसके अलावा 2 PGD स्टूडेंट से भी सीबीआई ने पूछताछ की। पूरे मामले में सीबीआई ने अभिया के परिजनों से पूछताछ की है और उस पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। परिवार ने पुलिस की संवेदनहीनता बताते हुए बताया है कि कैसे परिवार को 3 घंटे इंतजार करवाया जाता है और उनको कहा जाता है उनकी बेटी ने आत्महत्या कर दी। जिस डॉक्टर की और ड्यूटी इसी अस्पताल के 3rd फ्लोर में रेप करने के बाद हत्या कर दी जाती है, पुलिस कहती है कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हुआ तो बहुत सारी पत्ते खुली है। इसके बाद सीबीआई की टीम यही इस अस्पताल में पहुंची है, पहुंचने के बाद जांच पड़ताल की। एक तरफ सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ कुछ उपद्रवी भी है जिन्होंने जानबूझकर हॉस्पिटल के उस सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ की जहां अभिया के साथ दरिंदगी की गई, उस जगह से सबूत मिटाने की कोशिश की गई। उपद्रवी अस्पताल के अंदर बर्बादी के निशान छोड़ गए। हमलावर भीड़ ने बेड पर लेटे मरीजों को भी नहीं बख्शा, न ही मेडिकल स्टाफ को छोड़ा, न डॉक्टरों न सुरक्षा कर्मियों को बख्शा, सबके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। भीड़ के हमले के बाद अस्पताल चंद मिनटों में ही खाली हो गया। मरीज, तीमारदार स्टाफ अपनी जान बचा करके भाग खड़े हुए, पीछे रह गए सिर्फ और सिर्फ उपद्रव के साथ। इस वक्त हम लोग है कार्डियोलॉजी इमरजेंसी, जो है इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर, वो कार्डियोलॉजी इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर, पर इस घर के अंदर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ किया गया एवं जितने सारे इमरजेंसी जो मशीन है सारे मशीन को तोड़ दिया गया। ये जो बेड है इस बेड को भी छोड़ा नहीं गया। यहाँ पे कई सारे दवाई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सारे दवाई को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये जो गेट है एक नर्सिंग स्टेशन की गेट है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा इस नर्सिंग स्टेशन के अंदर की तस्वीरें। बहुत सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो दवाई, देखिए इस फ्रिज के हालत देखिए, इसमें सारे दवाइयां थे और ये